मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के ग्रुप सी के पेपर सेकंड के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अपने लेक्चर में हम लोगों ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के बारे में बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे सीपीएम या सीपीआईएम, कई जगह इसको आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट के रूप में भी पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहा था आपसे कि 1924 में ये पार्टी बनी है सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और आज़ादी के अंतराल के बाद, संघर्ष के अंतराल के बाद, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ है, उसके बाद जो पहले लोकसभा के चुनाव 1952 में संपन्न हुए हैं, उन चुनावों के अंदर ही सीपीआई संख्या की दृष्टि से नंबर दो पर है कांग्रेस के बाद। लेकिन इस दौरान पार्टी के भीतर कई मतभेद जारी हैं, पार्टी की योजनाओं को लेकर, रणनीतियों को लेकर, आज़ाद भारत में अपने कार्यक्रमों को लेकर, कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर कई विषयों पर मतभेद जारी हैं। असर इसका ये पड़ता है कि कई लोग ये मानते हैं कि आज़ादी की जंग में कांग्रेस की भूमिका और आज़ादी के बाद इसके रोल को सपोर्ट करना चाहिए, और कुछ इसके खिलाफत कर रहे हैं, क्योंकि मूल रूप से जो मार्क्सवादी दर्शन है वो संघर्ष को ही एकमात्र विकल्प मानता है, और दूसरा, संसदीय लोकतंत्र में उनका ज़रा भी विश्वास नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जितनी आलोचना मार्क्सिस्ट विचारकों ने की है उतनी और किसी ने नहीं। ये एक अलग विषय है, इस पर हम आगे बात करेंगे। होता यह है कि इसी दौरान आया 1964, स्पेशली 1962 के चीन युद्ध के बाद। मैंने आपको पहले कहा था कि चीन ने भारत की सीमाओं का अतिक्रमण किया था, और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के कुछ नेताओं ने, जिनमें कई ऐसे नाम शामिल हैं जिनको आपने सुना पढ़ा होगा, हरकिशन सिंह सुरजीत, ज्योति बसु, इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, चीन ने कोई आक्रमण नहीं किया है, भारत ने अपनी सीमाओं का हनन किया है, और हमें इस विषय पर भारत सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। और एक दूसरा गुट है जो ये कह रहा है कि नहीं, राष्ट्रीय संकट के इस क्षण में हमें सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। वैचारिक मतभेद बाद में देखे जा सकते हैं। इसी दौरान 1964 में सीपीआई में एक विभाजन होता है, और मार्क्सिस्ट जो सीपीआईएम के समर्थक हैं वो सीपीआई से अलग हो जाते हैं और एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसको हम माकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, या सीपीआईएम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नाम से जानते हैं। अब दूसरा दल जब बना तो यहाँ पर अब सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि आप अपने आप को न्यायोचित सिद्ध कैसे करें। आपने पार्टी छोड़ के नई पार्टी बनाई है तो अलग क्या है, और क्योंकि आप भी साम्यवादी दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का ही एक हिस्सा बन रहे हैं, तो क्या आप मार्क्सवाद से मुड़ रहे हैं या फिर रहे हैं, इन अवधारणाओं की बात हम करेंगे। देखिए, सीपीएम जो है इसने स्पष्ट माना कि भारत में संसदीय लोकतंत्र और जो संघर्ष मुक्त रास्ता अपनाया है विकास का और राजनीतिक रूप से, ये दोनों ही हमें अस्वीकार है। वो सामाजिक संघर्ष और संसदीय लोकतंत्र की आलोचना, इन दोनों के प्रति जिद पकड़े हुए थे। आप ध्यान रखें, यही गांधी जीतते हैं। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता का जन्म दिवस है। आप ध्यान रखें, हिंसा या प्रतिक्रिया बहुत सहज होती है, हिंसक प्रतिक्रिया बहुत सहज है, बहुत साधारण है, बहुत सामान्य है, कोई भी कर सकता है। किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, बदले में आपने पहुंचा दिया, सहज प्रक्रिया है। पर ये तो पशु की भी होती है, तो मनुष्य और पशु में कुछ तो अंतर होगा। और गांधी ने देश को यही सिखाया है, यही दिया। आज कृतज्ञ राष्ट्र, आप देखिए, इस चीज़ को समझिए, आज पूरी दुनिया में आपको एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो गांधी से विरोध रखता है।
ये जीत है उनकी। लेकिन मार्क्सवादी इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, आज़ादी जो मिली है ये एक पूंजीपति शक्ति ने दूसरी पूंजीपति शक्ति को सत्ता हस्तांतरित की है, नेहरू पूर्णतः साम्राज्यवादी हैं। और 1954 से ही हमारे मतभेद शुरू हो गए थे, 64 पर तो हम औपचारिक रूप से अलग हो गए, नई पार्टी बन जाती है और कार्यक्रम आगे चलता है। अब उसके बाद योजना ये बनी कि भाई अब जब चुनाव वगैरह होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट किया जाए या नहीं किया जाए। तो दल के भीतर ये तय किया गया कि क्योंकि देश में संसदीय लोकतंत्र को अपना लिया है और चुनाव हैं, तो CPM दोनों जगहों पर संघर्ष करेगी, चुनाव भी लड़े जाएं और जो आंदोलन हैं उनको भी छेड़ा जाए। यहाँ मैं आपको एक तीसरे विभाजन की ओर लेके चलता हूँ, ये बात भी 1964 की है। जैसे ही 1964 में CPI का विभाजन होता है और CPIM अलग निकलती है, बंगाल त्रिपुरा और उस क्षेत्र के अंदर एक नया वर्ग उभर के सामने आता है जो चीन के माओवाद और उनके इस विचार से बड़ा प्रभावित है कि शांति बंदूक की नाल से निकलती है। अपने मन मस्तिष्क में कागज पर ये नाम नोट कर लें, कानू सान्याल और चारू मजूमदार। बंगाल के कुछ क्षेत्र में, दार्जिलिंग वगैरह में, इन लोगों ने भारत को एक बहुत बड़ा नासूर दिया जो आज तक जारी है, वो है नक्सलवादी आंदोलन। नक्सलवाड़ी एक पुलिस थाने का नाम था, एक जगह का नाम है, गांव थोड़ा सा गांव समझ लीजिए उसको, वहाँ पर एक थाना है। उन दार्जिलिंग की में इन जगह से आंदोलन भड़कता है। ये वो लोग हैं जो हिंसा का समर्थन करते हैं। आप NCERT की 12वीं कक्षा की जो किताब है उसको पढ़ कर देखे, उस पर लिखा है ये तो रक्त का संबंध कर सम्मान करते हैं, खून बहना चाहिए, बगैर सशस्त्र संघर्ष के भारत में क्रांति संभव नहीं हो सकती। इस हालात तक इन्होंने देश में लॉ एंड ऑर्डर को छेड़ा, परेशान किया। अब आप इस बात को समझें, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन की जिम्मेदारी है, यदि इन पर कोई आंच आती है तो वो सख्त कदम उठाएगा, उठाए गए, हिंसा और बढ़ गई क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में और नक्सलवाद बढ़ना शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, इन्होंने नाम दिया अपनी पार्टी को CPIML, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी ये माओइस्ट लेनिनिस्ट। इस विचार से बड़े प्रभावित थे कि संघर्ष के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से। इनका एक वाक्य था बड़ा दिलचस्प है कि क्रांति के मार्ग में अहमियत उस प्रक्रिया का नहीं है जो अख्तियार की गई, बल्कि उद्देश्य की है जो प्राप्त किया जाए, और वो किसी माध्यम से किया जाए सारे ही माध्यम पवित्र माने जाएंगे, चाहे वो बंदूक उठाकर हो या बैलेट उठाकर। आप कल्पना करें इस चीज़ की कि जो बैलेट और बुलेट में अंतर नहीं कर रहे, उनका वैचारिक अवधारणा पर प्रतिबंध बंद क्या होगा। लेकिन बात आगे बढ़ती है, इसके बाद इन्होंने ये तय किया, इनकी पार्टी में आंतरिक स्तर पर यह तय हुआ कि भाई भारत में लोकतंत्र है और इतने बरस बीत भी गए, जनता का विश्वास जीत भी लिया और लोकतंत्र ने, और सरकार समय अनुकूल बदलाव इसमें कर भी रही है, तो इतना आसान नहीं होगा, तो चुनाव की राह पर भी चला जाए। चुनाव उन्होंने लड़ने का फैसला किया। आपको ध्यान होगा आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर एक लंबे अरसे तक, लगभग 35 साल तक पश्चिम बंगाल में CPM की सरकार रही, ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे, वहाँ पर शासन किया और मार्क्सवाद के प्रति उनका समर्पण और निष्ठा जारी रही। ये विचारधारा ये मानती है कि मजदूर और किसान, इनके संघर्ष के लिए दल को कार्य करना चाहिए, योजनाएं बननी चाहिए, नीतियां बननी चाहिए और संसद के भीतर और संसद के बाहर दोनों तरफ शासन को इन नीतियों के लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।